जनपद फिरोजाबाद से फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको लगातार ग्राउंड जीरो से सियासी समीकरणों को बारीकी से दिखा रहा है, जिसकी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सदर विधानसभा फिरोजाबाद, जहां के भाजपा उम्मीदवार मनीष असीजा के बारे में कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है। सदर विधानसभा से लगातार तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार एवं मौजूदा सदर विधायक मनीष असीजा से फर्स्ट इंडिया के ब्यूरो चीफ देवाशीष शर्मा और उनके सहयोगी मयंक शर्मा ने खास बातचीत की। सुहाग नगरी के नाम से विश्व विख्यात जनपद फिरोजाबाद की हर चुनावी अपडेट से हम लगातार आपको अवगत करा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और अब हमारा काफिला, फर्स्ट इंडिया न्यूज का काफिला पहुंच चुका है सदर विधानसभा में। यहां पर एक अलग तरीके का प्रचार देखा गया, जनता वोट मांगती दिख रही है और एक नारा देखने को मिला है कि काम ही पहचान है। तो आखिरकार किस तरीके से प्रचार चल रहा है और किन मुद्दों के साथ सर आप जनता के बीच जा रहे हैं? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहन हैं, मिलजुल कर विनयपूर्वक नागरिकों के, जनता के, जनता जनार्दन के चरणों में आशीर्वाद लेने निकले हैं। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों की तरह इस बार 2022 में दोबारा उनके ही आशीर्वाद से माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार पहले से भी ज़्यादा दुगने जोश से, सेवा भाव से, विनय पूर्वक समाज की सेवा करने का संकल्प लेती है। कैसा लगता है सर, क्योंकि जिस तरीके से फिरोजाबाद सदर पर देखा गया है, बच्चों के चेहरे पर मुखौटे, युवाओं के चेहरे पर मुखौटे, हर कोई मनीष असीजा बना हुआ है, ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से लगातार आपको इसने, हर गली में आप जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में आप जाते हैं, महिलाओं को कहते सुना है कि आपका तो हम वैसे ही ध्यान रखेंगे, तो क्या ऐसा कौन सा जादू कर दिया है सर? नहीं नहीं, ये तो समाज एक माँ के रूप में मेरा लालन पोषण कर रहा है, एक माली के रूप में एक छोटे से कांटेदार पौधे को पालने पोसने का काम कर रहा है। मेरा धर्म कर्तव्य है कि समाज के इस प्यार को ना तो कभी भुला पाऊँगा, ना कभी इस ऋण को उतार पाऊँगा, लेकिन हृदय की गहराइयों से सेवा करता रहूँ, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सब माँ सरस्वती के उपासक, सम्मानी मीडिया के सामने ऐसा विनयपूर्वक संकल्प है। अगले 5 साल के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी, जिन गलियों में आप जा रहे हैं उनको क्या आगे सौगात देने का आपने प्लान बनाया है सर? सौगात तो जनता देती है हम सब राजनीतिज्ञों को, हम लोग जो काम करते हैं वो तो जनता का पैसा है, वो जनता का अधिकार है, हमारा काम करने का कर्तव्य है। हम गली गली आज वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने के बाद अगर हम उन्हीं के पैसे से उनकी सेवा करें, उस पर एहसान भी जताएं, तो ऐसा पाप भगवान हमने तो करने से बचाए। हाँ, मेरा हमेशा एक चुनाव से पहले एक संकल्प होता है कि अपने मतदाताओं के बीच में हमेशा सहजता से रहूं, बिना किसी तामझाम के रहूं, बिना किसी बाधा के रहूं, जो भी मुझसे, चाहे कोई हो, कभी भी हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सके, मेरा नंबर भी वही है। आप सब साथियों की कृपा से मुझे जगह जगह पर जो समस्याएं समझ आती हैं, आप लोग जब उसे उठाते हो, उसे भी मैं हृदय से संज्ञानित लेते हुए उसे दूर कराने का काम करता हूं। अंतिम प्रश्न, किससे बांधते हैं सदर विधानसभा पे सीधा मुकाबला? हम सभी परीक्षार्थी हैं, हम इम्तिहान में बैठे हैं, जनता हमारी अध्यापक है, हम सब भाई मिलकर, 1-20 तारीख का ही तो इम्तिहान है, बाकी तो सब यहीं रहेंगे शहर में, नमस्ते दुआ सलाम होती रहेगी, प्रणाम राम 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 होती रहेगी। तो मेरा ये कहना है हम सब इम्तिहान में बैठे हैं, जनता जो मार्क देगी, जो नंबर देगी, जो परिणाम देगी, उसको सर आंखों पर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ सदर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार मनीष असीजा जी, जिनके बारे में लगातार जनता भी कहती है और जगह जगह ये देखा भी गया है कि उनका काम ही उनकी पहचान है, और जनता में अपने आप में कहीं अलग सा संदेश है। और लगातार सदर विधानसभा में जिस तरीके से देखा जा रहा है, बच्चे हों, युवा हों, हर कोई एक ही बात कहता है कि काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है। अब ऐसे में इस सियासी दंगल में सदर विधानसभा से वास्तविकता में जनता किसको प्यार देकर विधानसभा भेजेगी, यह तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल यह तो साफ है कि सदर विधानसभा पर 2 बार के चेयरमैन और 2 बार के लगातार विधायक, सदर विधायक मनीष असीजा के लिए जनता वोट मांगती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यह तो रिजल्ट तय करेंगे कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। और फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है सुहाग नगरी फिरोजाबाद से ग्राउंड जीरो से राजनीतिक समीकरणों की उठापटक। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता एवं मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए एक विशेष संवाद।